नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो वीडियो है पुस्तकालय जो सूचीकरण पेपर है उसी के ऊपर है। ये जो जून 2019 के अंदर जो ग्रुप थर्ड का जो पेपर हुआ था उसको मैं आपको हल करके बताऊँगा। जब पेपर परीक्षा में आता है तो इसी तरीके का पेपर बना हुआ आता है। इसमें शुरुआत में निर्देश दिए होते हैं कि कुल आपकी 7 आँखें होती है, उनमें से कोई आपको 5 आँखों के सूची पत्र बनाने, यानी उनकी जो कैटलॉगिंग है वो आपको करनी है। प्रत्येक आँख्या 20 अंकों की रहेगी और जो प्रविष्टियाँ हैं वो आप जो हस्तलिपि का प्रयोग करेंगे, यानी आप स्वयं हाथ से बनाएंगे, लिख के बनाएंगे। और प्रविष्टियाँ जो एंट्रियाँ हैं वो क्रमानुसार बनाएंगे। और द्विबिंदु वर्गीकरण जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक है वो प्रयोगार्थ उपलब्ध है, यानी उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ रीजनल सेंटर पर ये कॉलन क्लासिफिकेशन जो किताब है वो उपलब्ध कराई जाती है, और कुछ रीजनल सेंटर पर ये जो किताब है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस रीजनल सेंटर पर ये किताब विद्यार्थी लेकर जाते हैं, जिसके लिए जो प्रैक्टिकल शिविर होता है उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको लानी है या किताब नहीं लानी है, तो मतलब किस रीजनल सेंटर वालों को लानी है, ये सारा प्रैक्टिकल शिविर में आपको बता दिया जाता है। तो मैंने लगभग ये तीसरा ग्रुप है, लगभग 10 ही ग्रुप में हुआ। सभी ग्रुपों के सवाल मैंने छांट लिए हैं और सभी जो छांटे हुए जो सवाल है उनमें से मैंने ये सवाल था वो कैटलॉग कब कब आया है, कोई 3 बार आया है, कोई 4 बार आया, तो वो सारा आपको मैंने बताया, हर में बताता जाऊंगा, ताकि आपको ये सवाल है कौन से रिपीट होते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं, वो सारा आपको पता चले। ये जो सवाल है इसका टाइटल है सोशल साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, जो इनके लेखक 2 लेखक है, डेरेन एलिस और लैन टकर 2 इनके लेखक है। सेग पब्लिकेशन का जो पब्लिशर्स है और अदर इन्फॉर्मेशन ये कॉल नंबर दे रखे हैं और ये एक्सेस नंबर है और ये पेज नंबर वगैरह साइज वगैरह ये तो आप एशिया 2 में यूज होती है लेकिन इसमें आपको यूज होगी नहीं। और आपको ये सीरीज का नाम दे रखा है और सीरीज का जो क्रमांक है वो आपको दे रखा है। सबसे पहले जब इसको आप हल करेंगे तो सबसे पहले उस जो ये सवाल के जो क्रमांक है जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर कोष्टक के अंदर आप उसकी जो पद्धति है वो लिखेंगे। अब जो यहाँ जो कार्ड इस तरीके से आपके बने हुए होते हैं आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, ये इस तरह से एंट्री है ये करनी है। ये यहाँ सबसे पहले आप जब मुख्य एंट्री बना रहे हैं मुख्य प्रविष्टि तो यहाँ मेन एंट्री लिखेंगे और यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो आप पेंसिल से लिखेंगे जो सवाल में दिए हुए जो ये आप जो कॉल नंबर देख रहे हैं S8:52Q4 या पेंसिल से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे लेखक का नाम आता है, इसमें आप जो लेखक देख रहे हैं 2 लेखक हैं डेरेन एलिस, तो एलिस इनमें सरनेम है तो सरनेम पहले आ जाएगा, बाकी वाला बचा हुआ कोष्टक में। और इसमें लैन टकर जैसे कोई हिंदी का या अपने भारतीय कोई भी हो तो उसमें हमें सरनेम का पता आसानी से चल जाता है, लेकिन विदेशियों में कई बार नहीं चलता है तो कई बार अंदाज से भी लिखना पड़ता है, कई बार सीधा भी, तो अपन अंदाज से भी ये लिखते हैं। तो पहला जो लेखक है एलिस और जो सरनेम आगे आ गया, फिर जो बचा है वो कोष्टक में एंड, यानी दूसरे को जोड़ने के लिए एंड लगाती है टक्कर और कोष्टक में LANE, फिर पूर्ण विराम लगाना है। उसके बाद इसका जो टाइटल लिखा जाता है, जो सवाल में जो टाइटल है सोशल साइकोलॉजी इमोशंस, फिर पूर्ण विराम, अगली जो सीरीज है सीरीज का नाम और उसके नंबर वो कोष्टक के अंदर लिखे जाएंगे। स्टडी इन इंडियन साइकोलॉजी सीरीज .1 या जो भी इसके नंबर हो इसमें 1 दे रखा है और कोष्टक बंद और पूर्ण विराम, और सबसे लास्ट फिर लास्ट में यहाँ पर हम जो एक्सेस नंबर है वो जो सवाल में दिए हुए हैं वो हम लिखते हैं, और कोई इसमें चीज एडिटर वगैरह इसमें है नहीं। अब हम क्या करेंगे, चैन प्रोसीजर बनाएंगे, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया बनाने के लिए आपको ये जो कॉल नंबर है इसको आपको टुकड़ में बांटना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, पहले आपने S लिखा, फिर S8, फिर S:, अब ये उसी रूप में लिखेंगे जब इसके हमें वर्गांक मिल जाए। तो आप इसका जो सोशियोलॉजी जो सबसे पहले आप जो इसकी जो बुक है उसमें जो सोशियोलॉजी वाला जो पार्ट है चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, पहले आप उसमें देख लो जो 2.4 पेज नंबर है उसमें आप इसमें देख लो कि इसके मेन क्लास है इसकी सोशियोलॉजी की क्या है, तो आप 2.5 पेज नंबर है उसमें आप S=, जो साइकोलॉजी आपको मिल जाएगा S=, साइकोलॉजी है
और फिर आपको S8 चाहिए तो इसके जो मूल पाठ है आगे उसमें आप जाएंगे, किताब में आप खोलेंगे इसके मूल पाठ में आपको जाना है। साइकोलॉजी में चले गए तो आप इसको S8 आप ढूंढेंगे, S8 आप देख रहे हैं, मेटा साइकोलॉजी। क्या है मेटा साइकोलॉजी? S8 है मेटा साइकोलॉजी। तो आप यहां पर लिखेंगे, आप दोबारा एक बार चेक कर लें, ये एस साइकोलॉजी का है और एस तो S8 है, ये वो एनर्जी पार्ट वाला था, तो और ये S6, 7, 8 है, मतलब सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। और उसके बाद :5-2 में जाना है, तो इसका जो एनर्जी पार्ट कहाँ शुरू हो रहा है हम देखेंगे। एनर्जी पार्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है, इसी यहाँ से हम नीचे देखेंगे, 5-2 में जाइए। ये 2 ही पार्ट है, इसे थोड़ा ये आपके एनर्जी पार्ट में इसका 5-2 का मतलब इमोशंस हो गया। एनर्जी पार्ट आपका यहाँ से शुरू आई, 2 कम ईपी एफोसियन इन ई 2P, तो ये 52 जो आपके इमोशंस का, तो इसका हमें पूरा वर्गांक मिल गया है। एस का हमने ले लिया साइकोलॉजी, S8 ले लिया सोशल साइकोलॉजी, ये हो गया। और उसके बाद S8 5-2 इमोशंस, और ये ऊपर वाला ले लिया सोशल साइकोलॉजी। इतना आपने कोलन की सहायता से ये चेन प्रोसीजर आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, यही तो तीनों चीजें हैं जो अगली जो कार्ड है उसमें आप ट्रेसिंग बनाएंगे, यानी इसको एक संकेत कहते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद 2 नंबर पे, उसमें 3 नंबर, यानी नीचे से ऊपर की ओर उल्टा लिखना आपको। ये इमोशंस सोशल साइकोलॉजी, फिर ये सेकंड सोशल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी, ये तीन होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लेखक है, एडिटर है, जो भी आपके जो मेन कार्ड में है वो आपको उतारने हैं। तो इसमें लेखक 2 है, तो इन दोनों को 2 तरीके से लिखेंगे। पहले तो हम सीधा ये है जैसा का जैसा लिखेंगे, यानी एलिस डेरेन एंड टकर, इस तरीके से लिखेंगे। दोबारा क्या करेंगे, टकर लेन है इसको पहले और एलिस को बाद में रख देंगे। ठीक, आप यहाँ से देख रहे हैं एलिस डेरेन एंड टकर एलेन, दोबारा टकर लेन एंड एलिस डेरेन। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों लेखक है, तो कोई तो जो पाठक होंगे, कोई एलिस को जानता होगा या कोई टकर को जानता होगा, तो उस वजह से पहले हम इसको जो फर्स्ट नंबर भी दिया उसको वरीयता देंगे, और सेकंड में जो सेकंड नंबर भी दिया उसको फर्स्ट वरीयता देंगे। उसके बाद यदि एडिटर है तो एडिटर का नाम, और जो चीज बची हुई है जैसे इसमें सीरीज थी तो सीरीज का नाम, और नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे, और लास्ट में इन सब की लास्ट में आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। तो ये आपकी जो चेन प्रोसीजर के बाद आपकी जो ट्रेसिंग है वो संकेत हो गई। अब क्या करेंगे, इन्हीं की सहायता से इनकी जो सहायक एंट्रियां वो हम बनाएंगे। अब ये जो आपने चेन प्रोसीजर से जो चीजें ली है वो क्लास इंडेक्स एंट्री के अलग, यानी वर्ग निर्देशी एंट्रियां, और उसके बाद जो लेखक हैं, एडिटर या सीरीज है, वो बुक इंडेक्स एंट्रियां कहलाती है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड रहेगी, ये थर्ड रहेगी। जब आप पहले जो क्लास इंडेक्स एंट्री आप बनाएंगे, तो ये जो चीज है, अब इन कार्डों में सबसे पहले यहाँ जो भी चीज लिखी जाएगी इस कॉलम में, पहले कॉलम में, वो कैपिटल में लिखी जाएगी। तो ये सोशल इमोशंस सोशल साइकोलॉजी पूर्ण विराम, उसके बाद एक आपको लाइन है आपकी किताब में दी हुई, आपको याद करनी है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। कहने का मतलब के इस क्लास के डॉक्यूमेंट्स और इनके जो उपविभाजन के लिए इस क्लास नंबर को देखें, तो यानी कि
तो ये जो आपने वहां से ली है, तो इसका जो कॉल नंबर आपने जो चयन प्रोसीजर में लिया था वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिख देना है। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट होगी, और उसके बाद जो इसकी लिखेंगे इसके सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये क्लास एंट्री सेकंड सोशल साइकोलॉजी ऊपर था ट्रेसिंग में। अब यहाँ पर सेकंड में क्या करेंगे, ये पूरा नहीं लिखेंगे, शुरुआत के दो अक्षर, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट के दो अक्षर, और लास्ट में पूर्ण विराम आप लगाएंगे। और इसके जो कॉल नंबर थे चयन प्रोसीजर में, वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। उसी तरीके से ये थर्ड नंबर है जो क्लास इंडेक्स एंट्री जो साइकोलॉजी, ये भी आप क्या करेंगे कैपिटल में लिखेंगे। सारी यहाँ चीजें जो भी आप करेंगे वो सारा आप कैपिटल में करेंगे। यानी पहले जो कॉलम में आप लिखते हैं जो अग्र अनुच्छेद या लीडिंग सेक्शन होता है, उसमें सारी जो चीजें वो कैपिटल में आएगी। उसके बाद वही सेम प्रक्रिया, पहले फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्लास नंबर, और लास्ट में पूर्ण विराम। वो इसके जो यहाँ पर जो चीज आपने लिखी है उसके चयन प्रोसीजर में आप देखिए कॉल नंबर या पेंसिल से लिख दीजिए। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री हमारी तीनों हो गई है। अब हमें उसके बाद की जो चीजें हैं वो ट्रेसिंग से उठानी है। अब ये बुक इंडेक्स एंट्री में ये ऑथर है, ये फर्स्ट ऑथर, और ये लाइन सेकंड ऑथर, और उसके बाद ये लाइन सीरीज एंट्री, यही चीजें हमें लिखनी है। अब देखो कि ऑथर की एंट्री कैसे करेंगे। ऑथर की एंट्री करने के लिए जो आपने चयन प्रोसीजर में जो नाम लिखे थे वो के वो सेम टू सेम यहाँ पर कैपिटल लिखने, जो कोष्टक में जो चीज आपने वहां रखी वो रेगुलर राइटिंग में आएगी, और कोष्टक से जो बाहर है वो कैपिटल रहेगी, और एंड नॉर्मल रहेगा। यहाँ लिखेंगे उसका लेखक का नाम, और उसके बाद यहाँ जो टाइटल जो आपके मेन एंट्री में और सवाल में दिया वो, और यहाँ पर जो कॉल नंबर कौन से लिखने, यहाँ पर वो कॉल नंबर लिखने हैं बुक जो ऑथर वाले में या सीरीज वाले में जो सवाल में दिए हुए, सवाल में जो आप या मेन कार्ड में आपने जो लिखे हैं सवाल में दिए, वो कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिखने हैं। ठीक उसी तरीके से बुक के इंडेक्स एंट्री सेकंड करेंगे, तब ये टक्कर लेन पहले आ जाएगा, एलिस डेन बाद में आ जाएगा, और बाकी ये सेम का सेम रहेगा। इसी तरीके से ये टक्कर लेन एंड एलिस डेन आ जाएगा पूर्ण विराम, और यहाँ पर आप जो चीज लिखते हैं उसके बाद पूर्ण विराम आप जरूर लगाएं। मैं खाली बनाते समय खाली इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो चीज आपको बता सकूं और आप उस पर गौर कर सकें। और ये कॉल नंबर जो आपके सवाल में दिए, उसके बाद जो चयन प्रोसीजर में जो सीरीज थी वो बस एक सीरीज ही बची हुई है ये ट्रेसिंग में, यानी कि मेन एंट्री बनेगी चयन प्रोसीजर, उसके बाद ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग की ही सारी एंट्री हम कर देंगे, अब एक ही बचा है हमारी सीरीज एंट्री। तो सीरीज के लिए आपको बुक इंडेक्स एंट्री डैश सीरीज लिखना है, बुक इंडेक्स एंट्री डैश सीरीज, फिर वो सीरीज का नाम जैसा था वैसा, और उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद सीरीज के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं, चाहे यहाँ पर खाली जगह कितनी भी रहे उस वहाँ पर नहीं, सीधा इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है सीधा। उसके बाद लेखक का नाम, यानी जो मेन कार्ड में आपने लिखा एलिस डेरेन, यहाँ पर फिर आपको नॉर्मली लिखना है एलिस डेरेन है, और उसके बाद कॉलन और टाइटल का नाम, टाइटल के नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। उसके बाद आपको कॉल नंबर लिखने जो सवाल में थी वो, इसी तरीके से ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। जो आपके 20 में से जो आपकी इसमें डॉट डॉट भी है थोड़ा बहुत आपकी लिखावट है, उस हिसाब आपको नंबर मिलते हैं। लर्न कि आप ठीक ठाक अच्छा खासा करते, तो उम्मीद करता हूँ 15-16 नंबर आपको आराम से इसमें मिल जाते हैं। अब अगला सवाल है एक, इसमें एडिटर है एडिटर, वो भी सिंगल एडिटर है, लेखक इसमें है नहीं। तो किताब का जो टाइटल है लाइफ हैज दलित, एडिटेड बाय सुभद्रा एम चन्ना, और ये आपकी कॉल नंबर है दिए हुए, और ये एक्सेशन नंबर, ये सीरीज का नाम, और इसमें सीरीज का एडिटर दिया हुआ। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें सीरीज का एडिटर नहीं था, और सीरीज के नंबर भी इसमें 15 दे रखे हैं। अभी ठीक वैसे ही आप जब सवाल शुरू करेंगे अगला, तो यहाँ पर वो क्रमांक लगाएंगे, और इसकी जो पद्धति है वो कोष्टक में लिखेंगे। मेन एंट्री से पहले यहाँ पर मेन एंट्री लिखेंगे, और यहाँ जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए वो पेंसिल से आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब इसमें एडिटर लेखक, यहाँ पर जो सेकंड में हम लेखक का नाम लिखते हैं लेकिन लेखक इसमें है नहीं, तो इसमें मेन एडिटर है तो एडिटर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम, चाहे एडिटर हो कोई भी हो, उसका सरनेम हम लिखा जाता है, तो इसमें सरनेम दिया हुआ है शर्मा सरनेम है, और बाकी जो बचा हुआ वो हम कोष्टक में लिख देंगे, फिर कॉमा ईडी, यानी एडिटर है। अब समझो एक एडिशन होता है और एक एडिटर होता है, अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि एडिटर है, और अंडरलाइन नहीं है तो उसका मतलब एक एडिशन है, तो उसके बाद एडिशन टू है थर्ड है जो भी वो चीज आएगी, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और लास्ट में पूर्ण विराम, उसके बाद टाइटल आएगा जो सवाल में जो दिया हुआ है, इसमें इसका जो टाइटल था लाइफ एज ए दलित पूर्ण विराम, उसके बाद सीरीज का नाम, तो सीरीज सोशियोलॉजिकल सीरीज, फिर कॉमा ईडी बाई,
ईडी, तो ये एडिटर है, तो एडिटर को भी आप इसको अंडरलाइन आप करेंगे, ईडी बाय मोहन प्रकाश और पूर्ण विराम, फिर इसके नंबर, इसके जो सीरीज के नंबर आप देख लें, सीरीज के नंबर 15 है, तो इसको आप यहाँ से जो जो भी नंबर होंगे वो आप यहाँ पर इसके लिख देंगे और बाद में पूर्ण विराम, उसके बाद जो एक्सेशन नंबर जो सवाल होगी आप यहाँ पर उतार देंगे। अब इसके बाद आप चयन प्रोसीजर करेंगे। अब चयन प्रोसीजर के लिए अब आपके जो दो कार्डों के बीच जगह कितनी, ये भी मायने रखती। अब आपको लगता है कि इसमें दो तीन बनेगी, आराम से आ जाएगी, तो दोनों कार्डों के बीच में इसको चीज को लिख सकते हो। आपको लगता है कि ये लंबा होगा, जगह नहीं मिल रही है, तो आप पीछे रफ वर्क के लिए पेज होता है वहां पर भी ये चीज उतार सकते हो, वहां पर फिर वो डायरेक्ट सीधा आप अगले जो ट्रेसिंग वाला कॉलम है जो कार्ड बनेगा उसमें आप उतार सकते हैं। तो इसका जो कॉल नंबर था वाई, सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद वाई 5927, इसका हम वर्गांक देख लेते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन जो किताब है हमारी उसमें से हम देख लेते हैं। ये वाइस हो गया आपके सोशियोलॉजी, और आपको वाई 5927 ऐसा कुछ है वो चाहिए, थोड़ा आप नीचे आएंगे इसमें तो इसमें ये पड़ा है, आप दोबारा देख लें क्या है, जो जो चीज है वो आप इसमें देख लें, 27 है तो इसमें आप 27 हरिजन है, किसका है, हरिजन है, जो चीज दी हुई है वैसे आप इसमें आप लिखेंगे। तो वाई का आपने लिख दिया सोशियोलॉजी और वाई 5927 का हरिजन, तो आप यहाँ पर हरिजन कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर वाला सोशियोलॉजी, और उसके बाद 44 आपको पता है जो इंडिया के ये जो स्थान है, तो आप ये इंडिया और ये हरिजन जो इसमें दिया हुआ वो, और अब यही सी सेम चीज आप यहाँ पर जो ट्रेसिंग में आप उतारेंगे, ये आप एक नंबर पे लिखेंगे इंडिया, हरिजन और सोशियोलॉजी, और उसके बाद ये दो नंबर पे रखेंगे, और थर्ड नंबर पे सोशियोलॉजी आ जाएगी। ट्रेसिंग जब हम बनाते हैं तो ये थोड़ा आधे से थोड़ा इधर लिखा जाता है, हालांकि जो ट्रेसिंग होती है जो मेन कार्ड के पीछे ही होती है वो बिल्कुल खाली होती है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा ही कार्ड बना हुआ आता है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख के ये कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एडिटर था, तो एडिटर का नाम आ जाएगा, जैसा आपको मेन कार्ड में लिखा है वो आ जाएगा, फिर सीरीज का नाम आ जाएगा, सीरीज के नाम के जस्ट नीचे इसका जो सीरीज का एडिटर दिया हुआ था वो आ जाएगा, कॉमा ईडी पूर्ण विराम। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये सेम सेम यहाँ पर आप लिख देंगे इंडिया, फिर सोशियोलॉजी, फिर फोर डॉक्यूमेंट्स, ये सेम लाइन लिखना है, और फिर ये कॉल नंबर वो आपको जो यहाँ से आपने जो चैन प्रोसीजर में जो दिए हैं वो आपको सेम यहाँ पर ये वाई 5927.44 ये आपको पेंसिल से लिखना है। ठीक उसी तरीके से जो ये जो सेकंड है एंट्री सेकंड आ जाएगी, और उसके सेकंड के कॉल नंबर आ जाएंगे, और ठीक उसी तरीके से थर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जब आप अगली जो बुक इंडेक्स एंट्री, अब आप ट्रेसिंग से सारी चीजें उठाएंगे, अब ये एडिटर है, सीरीज है, और सीरीज का एडिटर है, तो बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर, जो एडिटर का नाम, और फिर कॉमा ईडी अंडरलाइन में पूर्ण विराम, उसके बाद यहाँ टाइटल आएगा, टाइटल के बाद पूर्ण विराम, और फिर कॉल नंबर, यहाँ पर कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो लिखने हैं, उसके बाद सीरीज का नाम आएगा, सीरीज का नाम के लिए सीरीज का नाम, और उसके जो नंबर है इसके नंबर कितने हैं देख लेते हैं आप, सीरीज के नंबर इसमें 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखा, और उसके बाद जो इस एडिटर का नाम, और उसके बाद डॉट, और फिर आप क्या करेंगे इसका टाइटल लिखेंगे, यदि लेखक होता है तो कॉलन लगा के हम टाइटल लिखते हैं, और फिर जो कॉल नंबर है आपके सवाल में दिए वो सेम सेम आपको उतार देने हैं। जब सीरीज का एडिटर लिखते हैं तो उस जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है, यानी कि संदर्भ एंट्री है, तो एडिटर ऑफ सीरीज होगा, तो उसका जो नाम आएगा और इसको अंडरलाइन में, और उसके बाद आपको क्या करना है लिखना है सी, सी का मतलब देखें क्या सोशियोलॉजिकल सीरीज, यानी कि मोहन प्रकाश की जानकारी के लिए आप जो सोशियोलॉजिकल सीरीज है वो देखें इस तरीके से, तो ये भी सवाल आपका पूरा हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल था इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी भारत की जो आर्थिक नीति है, अब ये
इकोनॉमिक्स का है। अब कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अब यहाँ जो V44 जो कॉलन 19 है, ये आपके विदेश नीति का है। मैं आपको इस कॉलन जो किताब है इसमें जाके आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का है, ठीक है। अब इसमें इसका जो आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो, ये जो आपके 2.108 है उसमें ये 191 से 54 तक की सारी चीजें चेंज हो गई है। वो उनकी जगह ये है, जब आपने वर्गांग किया उसमें खूब आपने इसको पढ़ रखा है। एक और चीज जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या, अब ये एक उदाहरण आपको ये पेज नंबर में आपको बता देता हूँ। कोलन किताब के पेज नंबर 26 शुरुआत वाले, उसमें एक चीज उदाहरण दिया हुआ है, बाकी तो आप जो वर्गांक बनाते आपको वैसे पता ही है, लेकिन आपके प्रूफ के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है ब्रिटेन यूरोपियन इकोनॉमिक पॉलिसी, कहने का मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो ये V33 ये यूरोप का है और कोलन 19 विदेश नीति के लिए, और 5 और फिर एक्स, एक्स का मतलब इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर है उसकी। अब इसमें हमारे सवाल में क्या हुआ, सवाल में क्यों है, जो कि गलत है। अब ये जो पेपर बनाने वाला होता है वो इतना न तो वर्गीकार होता है, न सूचीकार है, उसको चीज दी हुई होती है वो लिख देता है। कई बार त्रुटि बस वो चीज रह जाती है या वो गलत लिख देता है, तो उस कंडीशन में हमें ये सुधार करना है। ये सुधार करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी बनती है, तो इसमें आप स्वयं सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये अपेक्षा रखता है आप जो भी चीज इसमें सुधारेंगे, क्योंकि आपको जानकारी है, जो टाइप करने वाले कोई जानकारी नहीं। बहुत सारी जो हम बाजार में किताबें लेके आते हैं उनके भी राइटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रूफ रीडिंग सही नहीं होने के कारण उसमें मिसप्रिंट आ जाती है। तो ये यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है। अब ये इसका टाइटल है और ये गवर्नमेंट सील है, ये जो पॉलिसी है ये बनाई हुई है, मतलब ये टाइटल है बुक का या रिपोर्ट का, जो भी कहें अपन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का। ये कौन कर रहा है लेखन का काम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है वो कर रहा है। और ये इसके कॉल नंबर है और ये एक्सेस नंबर है। अब चलिए इसका जो लेखक हम बनाएंगे, तो इसमें लेखक बनाने के लिए सबसे पहले स्थान, फिर उसका जो डिपार्टमेंट का नाम जैसे फाइनेंस एजुकेशन, फिर कोष्टक में मिनिस्ट्री ऑफ लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आप जो वही प्रक्रिया सेम, सवाल के क्रमांक जो और पद्धति और फिर मेन एंट्री। अब ये आपको ये भी चीज वहां पर सुधारनी है। अब एक यहाँ पर 1998 तो इसमें भी ये जो ये चिन्ह है ये नहीं, ज्यादातर ये चिन्ह होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चिन्ह, क्योंकि टाइम के लिए ऊपर वाला जो उल्टा चिन्ह होता है वो आता है, नीचे वाला कॉमा नहीं रहता, तो इसमें बहुत सारी मिसप्रिंट होती है। चलिए, जो इसका लेखक, जब गवर्नमेंट पब्लिकेशन का हम करेंगे कोई डिपार्टमेंट का, अगर तो सबसे पहले उस स्थान का नाम आएगा, कॉमा, फिर उसका जो डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस का, एजुकेशन का, जो भी एक्स वाई जेड वो आएगा, फिर उसके बाद कोष्ठक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ है या डिपार्टमेंट ऑफ है या सेंटर ऑफ है, इस तरीके से वो आ जाएगा। यानी कि इसको कौन बना रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, तो इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, स्थान, फिर कॉमा, जो डिपार्टमेंट का नाम, फाइनेंस एजुकेशन एक्सट्रैक्ट जो भी हो, फिर कोष्ठक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ, यदि मिनिस्ट्री है तो वो सवाल में आपको दिया हुआ उसी तरीके से आपको लिखना है, और पूर्ण विराम, ये हो गया लेखक, और उसके बाद यहाँ टाइटल, और उसमें एडिटर वगैरह कुछ है नहीं, और क्या हमें इसमें से लेना है, एक्सेस नंबर, ये 333-11 जो आपके जो एक्सेस नंबर आपने जो यहाँ से देख रहे हैं वो आपको 333-11 है या 111 जो भी है, जो सवाल में है वो जैसा का वैसा आपको यहाँ पर उतारना है, ठीक। ये हो गया, उसके बाद आपको ये इसके वर्गांक निकालने हैं, जैसे वी लिखना है, वी 44 लिखना है, 44-19 लिखना है, 44-19 पर ये आपको ये एक्स लिखना है। ये मैंने क्यों जानबूझ के छोड़ा, ताकि मैं इसको वीडियो बनाते समय आपको इसमें ये चीज बताता रहूं। तो ये वी आपका वैसे हिस्ट्री का है, और आप हिस्ट्री वाले जो चैप्टर है उसमें हम जाते हैं, जो मेन पार्ट है उसमें आप जो 2.45 जो पेज है वहाँ पर ये आपकी वी बराबर हिस्ट्री है, और आगे की चीजें आपको मैंने आपको पहले इसमें से वो आपको जो 29 नंबर पेज पे भी आपको वो बता दी है। ये वी 44 है, इंडिया की है, तो ये हिस्ट्री का जैसा पार्ट है, हिस्ट्री है या कुछ दो तीन ऐसे है, उसमें ये डॉट वॉट नहीं लगता है, वो सीधा आ जाता है। इसमें आपके सूत्र में भी पड़ा है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पे देख सकते हैं V और सीधा P है, P का मतलब गोट बाई जी डी एन ज्योग्राफिकल डिवाइजन, सीधा स्थान का ही आएगा, डॉट वर्ड कुछ नहीं लगेगा, सीधा यही है। और वो 19 वाला मैंने आपको बता दिया फॉरेन पॉलिसी का है, और कोष्टक में फिर एक्स है वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो जाएगी, ठीक इसी तरीके से ये आ जाएगा। अब ये आपने चयन प्रोसीजर सारी बना ली है, और फिर ट्रेसिंग आप इसकी बनाएंगे, और ये इन्हीं को एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर वहां पर लिख देंगे, और उसके बाद आपको मेन एंट्री में क्या है, लेखक है तो लेखक का नाम आपने जैसा है वैसा यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ट्रेसिंग में सारी चीजें रेगुलर राइटिंग में लिखी जा रही है। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और लास्ट में बुक। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, और उसको पूर्ण बना लास्ट में लगाया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट पर लाइन, और ये उसके बाद जो कॉल नंबर आप पेंसिल से यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद ये जो सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंट्री, और ये फोर्थ एंट्री लास्ट। अब बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर, में ऑथर जो आपने मेन कार्ड में लिखा था वो, और फिर पूर्ण विराम, ये आई है, ये ऊपर रेड लाइन आ रही है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पर टाइटल, और उसके बाद जो कॉल नंबर जो आपके सवाल में जो दिए हुए वो आपको, ये आपको इसमें सुधार करना है, और इसमें भी ये थोड़ी ये जो टाइम वाले में ज्यादातर मिस्टेक रहती है, ये भी आपको चिन्ह सुधारना है। ये आपका सवाल पूरा हो गया, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का जो सवाल है कई बार आता है, ये बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसमें एंट्रियाँ कम होती है बाकी की बजाय। और यदि आप गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला सवाल आप निकाल देते तो एग्जामिनर के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपको ये चीज अच्छे से आ रही है। अगला जो सवाल है आपकी जो किताब नंबर के पेज नंबर 166 में है, ये 16 में आया, जून 15 में, जून 19 में आया हुआ है, और वो भविष्य में आता रहेगा। उसके बाद और भी कई एग्जाम में आया है, जिसे लॉकडाउन वाली जो परीक्षा हुई है उसमें आया, लेकिन उसके जो पेपर है वो वेबसाइट में नहीं है, कई बार आया। ये अति महत्वपूर्ण है, और ये थोड़ा बड़ा भी है, ये प्रोसीडिंग का जो बैठक कार्रवाई होती है, किसके ऊपर बैठक कार्रवाई हुई है, डॉक्यूमेंट एंड सर्विस एंड नेटवर्किंग के ऊपर हुई है, और इसमें एडिटर दिया हुआ है बी गुहा, और ये 3-5 मई 1990 में हुआ। ये कॉल नंबर दे रखे हैं, और ये स्मॉल पी का मतलब प्रोसीडिंग का है, और फिर 44। अब ये भी चिन्ह आपको सुधारना है हमेशा, आप जब भी देखें ये चिन्ह सुधार लिया करें, और 1990, और ये N91 ये यूं ही है, मतलब कॉल नंबर में है लेकिन आपको वो जो चयन प्रोसीजर में शामिल नहीं है, और एक्सेशन नंबर। अब देखिए ठीक, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे ये प्रोसीडिंग है, तो इसमें जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन ये कोस्ट में आ जाएगा, उससे उसके बाद क्या बचता है, जैसे प्रोसीडिंग ये तो टाइटल हो गया, मान लो क्या है कॉन्फ्रेंस ऑन ये कोस्ट, उसके बाद क्या बचता है, डॉक्यूमेंट एंड सर्विस नेटवर्किंग, ये शुरुआत में आ जाएगी, मेन चीज उस पहले आ जाएगी, और उसके बाद स्थान आएगा, और उसके बाद सन आएगा, इस तरीके से इसका लेखक होता है। आप देखें सवाल नंबर लिख दिए, कॉल नंबर लिख दिए, मेन एंट्री लिख दी, ये कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिखने हैं। अब डॉक्यूमेंट एंड सर्विस एंड नेटवर्किंग, डॉक्यूमेंट एंड सर्विस या डॉक्यूमेंट सर्विस जैसा है, तो एंड है नहीं, तो जो है आप जो जैसा सवाल में वैसा आपको वहां पर लिखना है। एंड नेटवर्किंग, फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है या एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जो है वो आपको यहाँ लिखना, फिर लास्ट में ये डैश आपको जरूर लगाना है। उसके बाद स्थान आएगा, और उसके बाद सन आएगा, और पूर्ण विराम, यानी कि डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डॉक्यूमेंट सर्विस एंड नेटवर्किंग दिल्ली 1990 का जी जो कॉन्फ्रेंस, यही इसका लेखक है। और इसके बाद इसका टाइटल लिखा जाता है, टाइटल प्रोसीडिंग है, और प्रोसीडिंग में अगर कोई टॉपिक होता है तो कॉलन लगाकर टॉपिक लिखते हैं, और यदि उसके बाद इसका एडिटर है तो एडिटर, इसमें एडिटर देख लेते हैं या नहीं है, एडिटर है तो हम ईडी भाई लिखेंगे, तो ईडी भाई यानी एडिटर भाई, और ये बी गुआ यानी कोई भी है, तो इनके जो गुआ है इनका जो सरनेम है, तो ये आप सरनेम पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो आप कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और ये एडिटर है तो एडिटर को आपको पता ही अंडरलाइन हमें करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक। और उसके बाद ये आप जो एक्सेशन नंबर यहाँ पर आप जो लिखेंगे सवाल में से देखकर जो है इसमें, उसके बाद ये जो कॉल नंबर को टुकड़ों में बांट कर आप चयन प्रोसीजर बनाएंगे, श्रृंखला प्रक्रिया। अब ये सबसे पहले इसका जो लाइब्रेरी साइंस का जो चैप्टर है, मूल चैप्टर, उसमें आप जाएंगे, ये लाइब्रेरी साइंस है, तो दो हो गया आपके लाइब्रेरी साइंस, फिर एनर्जी में 9-7 है,
तो इसमें आप थोड़ा ये एनर्जी पार्ट है, इसमें थोड़ा आप नीचे आएंगे 997 किसका डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया आपने, डॉक्यूमेंटेशन ये लाइव लाइसेंस लिया। पीपी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए आप जो पेज नंबर 2.5 पे आप जाएंगे, इसमें आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो देख लेंगे, ये पी बराबर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है और 44 इंडिया के है, और फिर लास्ट में जब ये पूरा कॉलम नंबर आएगा तो इसमें आपको जो आपने टाइटल जो लेखक का नाम लिखा है वो सेम सेम यहाँ पर आ जाएगा, जैसा मेन एंट्री में आपने यहाँ लिखा वो सेम आ जाएगा। अब इन्हीं की आप इसमें लिखेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, यहाँ अगर जगह कम पड़ी फिर निचली वाली लाइन में लिख सकते हैं, फिर पूर्ण विराम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और उसके बाद ये, और एडिटर वगैरह है तो एडिटर की, और लेखक इसमें एडिटर है तो एडिटर की भी हम एंट्री इसमें करेंगे, एडिटर का नाम कोमा एडिटर, और इसको आप अंडरलाइन भी आप इसमें करेंगे। और अब इन्हीं की आप एंट्रियां बनाएंगे, हालांकि ये थोड़ा इसमें एंट्रियां ज्यादा है, आप यदि इसको परीक्षा में अवॉइड करने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा कैसे। अब इन्हीं की तो एंट्री आप ये यहाँ से कर देंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, वो यहाँ पर सारी कैपिटल कोष्टक वाली नॉर्मल रहेगी, बाकी कैपिटल पूर्ण विराम वही सेम लाइन यहाँ पर लिखेंगे, इसके जो कॉल नंबर है जो आपको चेंज प्रोसीजर उठा के यहाँ पर लिखने हैं। अब इसी तरीके सेकंड थर्ड फोर्थ सारी आप इसमें लिख देंगे ठीक, जैसे पहले पिछले सवाल में करते आए। अब जब ऑथर की जब आप एंट्री करेंगे तो ऑथर का नाम और फिर ये पूर्ण विराम और इसका टाइटल का नाम, फिर जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए हुए, अब इसमें एक बचता है एडिटर, तो एडिटर की भी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे एडिटर, और एडिटर की एंट्री के लिए आपको अगला जो कॉलम है उस कॉलम में आपको जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो एडिटर का जो नाम है वो आप यहाँ पर पेंसिल से आप लिखेंगे, सॉरी पेंसिल से नहीं कैपिटल लिखेंगे आप, कोष्टक वाला जो नॉर्मल रहेगा, बाकी शुरुआत वाला जो कैपिटल लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी आप चीज लिखेंगे वो कैपिटल रहेगी, अगर कोष्टक के अंदर कोई चीज है तो वो ठीक है नॉर्मल, बाकी सब कैपिटल कोमा फिर ईडी और फिर पूर्ण विराम, और उसके बाद क्या करना है लेखक का नाम और फिर इसका टाइटल, लेखक कौन है ये है तो लेखक का नाम आप इसमें लिखेंगे और फिर कोलन लगा के इसका टाइटल आप लिखेंगे, कोलन लगा के जो इसका टाइटल लिखा था प्रोसीडिंग्स और फिर आप इसमें पूर्ण विराम लगा देंगे, इस तरीके से ये सवाल होगा। अब तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हो गया। अब जब हम अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला जो सवाल है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, तो आप देख रहे ये इसी पेपर में तीन सवाल गवर्नमेंट पब्लिकेशन के आ गए हैं, 17-19 दिसंबर के भी और जून के भी। टाइटल है इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यानी कि भारत की जो बेरोजगारी की समस्या, ये कौन लिख रहा है, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो स्टेटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो लिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा। अब देखो इसमें स्थान कौन सा रहेगा, वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे है, तो वो लिखेंगे और उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक और जो इसका जो मेन मुखिया फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स इस तरीके से लिखेंगे, तो इसमें ये कॉल नंबर है और उसके बाद ये एक्सेस नंबर, ये चीजें, तो सवाल नंबर लिख दिए, जो सवाल नंबर है आपको वहाँ से जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, फिर जिसकी जो पद्धति है वो भी आपको कोष्ठक के अंदर लिख देनी है, फिर यहाँ पर मेन एंट्री, जब आप मेन एंट्री बनाएंगे तो जो कॉल नंबर है जैसे इसमें दिए हुए आपके सवाल में वो के वो सेम आप यहाँ से देख के
लिख देंगे पेंसिल से, और उसके बाद देखो ये मैन कौन है, वर्ल्ड बैंक है कोमा, और इसमें जैसे स्टैटिक और डिपार्टमेंट लिखना है तो डिपार्टमेंट आपको पता है पीछे कोष्ठक के अंदर आ जाएगा, पीछे क्या बचता है फिर स्टैटिक्स, तो बाहर स्टैटिक्स आ जाएगा, फिर पूर्ण विराम, उसके बाद यहाँ पर जो टाइटल है इंडिया एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और उसका फिर एक्सेशन नंबर। अब इसी को आप टुकड़ों में बांटेंगे, फिर जो वाई वाला जो सोशियोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें जाएंगे। तो वाई का सोशियोलॉजी है, और इसमें आप मैं आपको किताब में भी ढूंढ के आपको बता देता हूँ। ये वाई सोशियोलॉजी है, फिर कोलन आपको चार चाहिए, तो इसके एनर्जी पार्ट में जाएंगे। एनर्जी पार्ट कहाँ शुरू हो रहा है, यहां से यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, और अब ये देख रहे हैं आप जो सोशल पैथोलॉजी, अब यहाँ मतलब ऊपर से यहाँ एक नंबर से शुरू हुआ है, अब इसमें आप देखेंगे जो चार नंबर है ये सोशल पैथोलॉजी को दिया हुआ है, जो सामाजिक जो पैथोलॉजी है चार नंबर वो दिया हुआ है, और इसके बाद कितने हैं, चार तीन है, तो इसी के जस्ट नीचे आपको चार तीन मिल जाएगा, चार दो चार तीन है डिस्टिट्यूशन, और चार तीन तीन है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे सोशियोलॉजी सोशल पैथोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, फिर चार तीन का डेस्टिनेशन ये सोशल पैथोलॉजी, फिर चार तीन दिन का अनएम्प्लॉयमेंट, फिर डेस्टिनेशन और सोशियोलॉजी लिखो या सोशल पैथोलॉजी एक ही चीज़ है, और 44 में इंडिया और अनएम्प्लॉयमेंट, फिर पीछे वाले ऑटोमेटिकली आ जाएगी, समझ ली जाएगी। अब इन्हीं को आप जो अगला कार्ड में जो ट्रेसिंग बनाएंगे उसमें आपको उतार देना है, ट्रेसिंग लिखेंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मैन कार्ड, जो मैन कार्ड की मतलब पीछे होती है ये सारी आप एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सारा आप इस यहाँ पर लिख देंगे, और लास्ट में आप पूर्ण विराम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे आप। और इनके बाद आपको जो टाइटल जो इसका लेखक है वो लेना है मैन कार्ड से, मैन कार्ड में आपने जो लिखा था, बाकी इसमें एडिटर है नहीं, एडिटर होता तो एडिट लिखते। अब इन्हीं की हम सारी एंट्रियाँ बनाएंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरीके से सारी हम बनाते जाएंगे, और लास्ट में पूर्ण विराम आपको जरूर लगाना है। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसी तरीके से आपको ये सारी एंट्रियां वो करनी है। और बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तो बुक इंडेक्स एंट्री जो ऑथर इसमें लेखक की है, और जो मैन कार्ड से आपने जो है जैसा लिख दिया आपने यहाँ पर, जो कोष्टक से बाहर है जो कैपिटल बाकी नॉर्मल, और यहाँ पर उसका जो टाइटल और फिर उसका जो कॉल नंबर है जो सवाल में दिया वो सारा आपको कॉल नंबर पेंसिल से लिखना है। तो इसी तरीके से ये सवाल है परीक्षा में हल किया जाता है। तो ये तीन घंटे का आपका जो पेपर होता है तो उसमें काफ़ी सारी आपको चीज़ें लिखनी होती है, तो इसका अभ्यास आपको जरूरी है। बहुत सारे लोग अभ्यास टाइम पे नहीं कर पाते तो उसकी वजह से थोड़ा डिफेक्ट पड़ता है। तो आपको निरंतर डेली रोजाना आप यदि एक कैटलॉग भी करते हैं तो महीने में के अंदर 30 कैटलॉग होते हैं, तो उसमें 30 में से बहुत सारे कैटलॉग ऐसे जो रिपीट होते हैं, आपको इसमें परीक्षा में सिर्फ 5 ही तो करने हैं और कितने करने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टाइम पे तैयारी नहीं कर पाते, अभ्यास नहीं कर, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।